बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन ये देखें, ये माशाल्लाह जो हमारा रैबिट फार्म, ये जिमी रैबिट कंपनी की ब्रीड है माशाल्लाह। देख लें आप इनकी लेंथ और साइज़ माशाल्लाह, काफ़ी बड़े बड़े खरगोश हैं ये। और ये काम शुरू किया मुझे तकरीबन 10 महीने हो गए हैं, और इन 10 महीनों में एक पेयर में लेके आया था, और उससे ये मैंने 8 ब्रीडर पेयर बना लिए हैं। ये देख लें ये माशाल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है ये सब आपके सामने। और ये वाली फीमेल और ये वाली फीमेल, और एक वो कोने पेयर वक्त के साथ बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहले क्लच वाले बच्चे हैं, ये वो ब्रीडर बने हैं, और 4 फीमेल हैं जो दूसरे क्लच वाली हैं, वो भी 4 महीने की हो गई हैं तकरीबन, एक माह बाद वो भी ब्रीडर बन जाएंगी। और माशाल्लाह जी ये वाली प्रेगनेंट फीमेल, ये 2-3 तक बच्चे डिलीवर कर देगी। फीमेल तकरीबन सारी प्रेगनेंट हैं ये भी, और ये पहले क्लच वाले मेल हैं, और इस फीमेल के साथ ये 3 बच्चे भी हैं, ये तकरीबन 25 दिन के हो गए हैं। और ये फीमेल दोबारा प्रेगनेंट भी है, और ये जो पहले दूसरे क्लच वाली फ़ीमेल थी उनकी मैंने क्रॉसिंग कराई है जख्म को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इनकी प्रेगनेंसी ओके है ये। और ये वाली फ़ीमेल भी पहले क्लच वाली है, और इसने बच्चे डिलीवर करने हैं तकरीबन 14-15 तारीख को, तो इंशाल्लाह जो ही ये बच्चे डिलीवर करेंगी तो मैं साथ साथ आपको अपना अपडेट देता रहूँगा। और इसके अलावा इस साइड पर सारे मेल पड़े हुए हैं, ये दूसरे क्लच वाले मेल हैं, तो माशाल्लाह इनका वेट भी 3 kg से ऊपर चला गया है, 3200-3300 इस रेंज में इनका वेट चला गया है। ये देखें माशाल्लाह जी मेल देखें आप, सुबह के टाइम को हम फीड डालते हैं, और दिन को हरा चारा, और शाम को भी थोड़ी फीड डाल देते हैं। इस फीमेल के साथ भी 4 बच्चे हैं, ये भी करीब 25 दिन के हो गए हैं, और ये फीमेल भी प्रेगनेंट है। और ये आगे मेल, और ये फीमेल भी प्रेगनेंट है, इसकी क्रॉसिंग कराई जख्म को, तकरीबन जख्म को सारी मैंने उनकी क्रॉसिंग कराई है फीमेल की, और जो 3 है वो बच्चे डिलीवर करने वाली हैं। ये मेल है, ये भी मेल है, और ये बच्चे भी 4 बच्चे ये वाले, ये पूरे 2 पेयर हैं। ये जो पहले क्लच वाली फ़ीमेल आई थी ये उसके बच्चे हैं पहले डिलीवरी के, और ये ब्रीडर मेल है। तो साथ में ये मैंने फैंसी भी इनके शो वाली साथ रख लिए हैं, ड्वार्फ फटोट ये फीमेल है, और इस साइड पे मेल है, अलग अलग केज में ये भी दोनों पड़े हुए हैं। ये तो इसकी भी क्रॉसिंग हो गई है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी जल्दी बच्चा डिलीवर करेगी। और एक पेयर ये जॉइंट अंगोरा का ब्राउन कलर में, ये बच्चों का पेयर मैं ले गया, एक डाली हुई है, ये घास वगैरह ये भी खा रहे हैं ये। तो नज़रीन उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल में सदाम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।